इसलिए इस्लामी सवाल और जवाब। अल्फाज अहमद है, आपका नाम? मोहम्मद अम्मार। ये मोहम्मद अम्मार है। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब के किस खानदान से ताल्लुक रखती थी? इस्लाम के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद और खैर मकदम है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस्लामी सवाल और जवाब। आइए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मैं इन दोनों का नाम एक एक करके पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? शेख अल्फाज अहमद। ये शेख अल्फाज अहमद है। आपका नाम? मोहम्मद अम्मार। ये मोहम्मद अम्मार है। मैं इन दोनों से सवाल करता हूँ और देखता हूँ हमें क्या सवाल का जवाब मिलता है। सवाल मोहम्मद अम्मार आपसे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब के किस खानदान से ताल्लुक रखती थी? बनू जहरा। बहुत अच्छा, सही और दुरुस्त जवाब मुझे मोहम्मद अम्मार ने दिया। हुजूर की वालिदा मोहतरमा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब के मशहूर खानदान कुरैश के बनू जहरा से ताल्लुक रखती थी। शेख अल्फाज अहमद, मेरा आपसे अगला सवाल है। आज सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा कुल कितने थे? 11 चचा थे। सही दुरुस्त जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कुल 11 चचा थे। उन 11 चचा में से किसी एक का नाम बताएं? अबू तालिब। सही दुरुस्त जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे। उनमें से 3 बड़े मशहूर हैं। पहला हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये 3 मशहूर चचा हैं। मोहम्मद अम्मार, आपसे मेरा अगला सवाल है और सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अरब के किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? बनू हाशिम। सही और दुरुस्त जवाब मोहम्मद अम्मार ने मुझे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अरब के मशहूर खानदान कुरैश की शाख बनू हाशिम से ताल्लुक रखते थे। शेख अल्फाज अहमद, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का असल नाम क्या था? अब्द मुनाफ। जी हाँ, सही जवाब आपने सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का असल नाम अब्द मुनाफ था। मोहम्मद अम्मार, मेरा आपसे अगला सवाल है। आज सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए और वो इस्लामी साल का कौन सा महीना था? मक्का। मक्का में पैदा हुए? हाँ, मक्का में पैदा हुए। सही जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। इस्लामी साल का रबी अव्वल शरीफ का महीना, रबी अव्वल शरीफ की 12 तारीख दोशंबे यानी सोमवार का दिन सुबह सादिक का सुहाना वक्त था। उस वक्त में, उस महीने में शहर मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ईस्वी सन अंग्रेजी साल को ले ले तो 17 जून 571 ईस्वी बरोज सोमवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। नाज़रीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।